हेलो, मैं हूं नासिम अलवी और सीएसएस के कोर्स की अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एचटीएमएल एलिमेंट्स की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा करके उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, वॉट एवर। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। ये हमारा वेब पेज है और इसका जो डिस्प्ले था वो ये था। इसमें से मैं अभी सारे कंट्रोल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं रिमूव, या फिर एक काम करते हैं, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ इसको हटा रहा हूँ। मैं 100% इसकी विद रख रहा हूँ, इसकी भी 100% विद, और ये फ्लोट और क्लियर सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखी थी। ये तीन मेरे पास अब डिव्स हैं और तीनों 100% विद के साथ यहाँ पर है। हाइट चाहे तो इसकी हाइट रख लीजिए, कुछ हाइट मान लीजिए, हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट ले लेते हैं इस पर 50px। ओके, 50px हाइट क्या है भाई? ओके, स्पेलिंग गलत हो गई। हाइट ये 50px काफी है, और इसको यहाँ कॉपी पेस्ट पेस्ट, तीनों को मैंने सेम ले लिया है। ठीक है, अब मैं इनकी ट्रांसपेरेंसी सेट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करनी पड़ेगी इसको ट्रांसपेरेंसी को सेट करने के लिए? ओपेसिटी। ओके, ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करिए और कॉलन, उसके बाद आपको 0.0 से लेकर 1.0 तक आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ, ओपेसिटी 1, तो सेम जो है वही रहेगी। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए इसको, यहाँ एक काम और करते हैं, एक मिनट, बल्कि ये भी हटा दो यहाँ से और ये भी हटा दो, एक ही डिव रहने दो, और इसी को हम अलग अलग ओपेसिटी के साथ देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ओपेसिटी, और यहाँ ओपेसिटी हम मान लीजिए लेते हैं 0.0, और देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया 0.0। अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है, कुछ तो दिखना चाहिए ना, ये हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, इसे हम कर लेते हैं 0.2, इसको कर लेते हैं मान लीजिए 3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ओके, और ये हमारा 9, और ये लास्ट में हमारा 1 हो जाएगा। ये है 0.9 और ये हमारा हो गया 1.0, यानी कि 1। ओके, कंट्रोल एस सेव किया और रिफ्रेश किया, तो देखिए ये आपको ओपेसिटी नजर आ रही होगी, ये 0.1 है। अगर आप 0.0 कर देंगे तो वो बिल्कुल वाइट मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका वाइट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कोई भी ओपेसिटी नहीं है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो, ये पहले वाली, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप अपने किसी भी एलिमेंट की ओपेसिटी को चेंज करके उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक है, और यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाना है, वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, एक इमेज यहाँ पर हमें लगानी होगी। अच्छा, ये सारा मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर इमेज लगाएंगे आप, कंट्रोल एस, और ये पूरा रिमूव हो गया। चलिए आपको इमेज ले लेते हैं, ये इमेज तो बड़ी है काफ़ी, चलिए इसी को ले लेते हैं, इसका साइज चेंज कर लेंगे और इमेज को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। IMGSRC is equal to, और इस इमेज का नाम हमारा क्या है, mypic.jpg। ओके, कंट्रोल एस, और ये हमारा पेज है। ठीक, इसकी विद और हाइट को चेंज कर लेते हैं। विद मान लीजिए हम रख लेते हैं इसकी स्टाइल, या एक काम करते हैं इसके लिए हम इनलाइन CSS बना लें, यहाँ भी कर सकते हैं स्टाइल से, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ IMG, क्योंकि मुझे कुछ एक काम और करके दिखाना है आपको कि माउस को अगर हम इमेज के ऊपर लेके आते हैं इस तरह से, तो तब भी इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज होनी चाहिए, तो वो फिर मैं दिखाऊंगा उस हिसाब से।
और यहाँ मैं इमेज की ओपेसिटी को चेंज कर देते हैं, ओपेसिटी मान लीजिए हम कर लेते हैं 0.5, ठीक। और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर वो भी यहीं पर कर लीजिए, चलिए कर लीजिए 200 px और हाइट कर लीजिए 100 px, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया, विथ 200 px की हो गई, हाइट 100 px की हो गई, और जो ओपेसिटी थी वो 50 px हो गई, सॉरी 0.5 हो गई। अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर लें, 0.2 कर लें तो और ज्यादा ओपेसिटी आ जाएगी। ये देखिए चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम इनलाइन का यूज करके भी बता देते हैं थोड़ा। विद मान लीजिए मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ उसको 500, और हाइट इसकी ले लेते हैं 200, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी इमेजेस हम ले लेते हैं। अब इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ। इंटरनल सीएसएस में मैं इसको यूज नहीं कर रहा, ठीक है। कंट्रोल एस, ये इमेज आ चुकी है बिल्कुल अपनी असली फॉर्म में। इसको कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, सेम चीज वही करने जा रहा हूं मैं। और यहां पर मैं यूज करूंगा ओपेसिटी, और यहां मैंने ओपेसिटी मान लीजिए यूज कर ली 0.1, ठीक। ये हो गया 0.1, और इसी को मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3 4 5 6 7, अभी और चाहिए 8 9 8 9, और ये हमारी रियल वाली। अरे कंट्रोल एस, और यहाँ रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रियल। ओके, तो इस तरह से आप इमेज की ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा ओपेसिटी के बारे में, एक और बता दूं, अगर आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप यूज कर रहे हैं मान लीजिए वो 8 है, ठीक है, और या उससे पहले का है कोई भी, अगर बात बात का है इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 से ऊपर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस यूज कर रहे हैं आप और या 8 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ओपेसिटी ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगी। अगर आप इसको लगाएंगे तो इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, फिल्टर नाम से होती है फिल्टर, और आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यू अल्फा। ओके, अल्फा के अंदर फिर आप यहाँ पर देंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी और जो भी ओपेसिटी आपको लेनी है इज इक्वल टू 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी रख सकते हैं, 50 30 20 जो भी रखनी है, ठीक है। लेकिन क्रोम वगैरह सब पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ओपेसिटी के बारे में हुआ। अच्छा अब एक चीज और मुझे बतानी थी कि अगर हम माउस को जैसे इमेज के ऊपर लेके आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इमेज के ऊपर जब माउस को ला रहे हैं तब इसके ओपेसिटी जो चेंज होनी चाहिए, तब ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इमेज, तब क्या कर सकते हैं हम, ये सारा मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है, और ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हाइट वगैरह सब कुछ मैंने यहीं पर रखी है, ये है, और चाहो तो इसकी विथ को मैंने 500 लिया है, इसको विथ को 600 कर लो और हाइट को 300 कर लो, और बड़ा कर लो ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हम इसके माउस को इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तब इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज होनी चाहिए, तो हमको करना क्या होगा, एक प्रॉपर्टी हमको यूज करनी होगी, विथ और हाइट में हटा रहा हूँ अभी यहाँ से, और देखिए इसकी ओपेसिटी अभी चेंज हो जाएगी 0.2, तो ये मैं 0.2 की जगह मैं अभी इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ 0.9, ये 0.9 या 0.6
सिक्स कर लीजिए, ठीक है, यानी कुछ ओपेसिटी हमने कर दी है, लेकिन जैसे हम माउस को लेके आ रहे हैं तो और ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो क्या करेंगे हम, आईएमजी और यहाँ पर हवर प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि माउस अगर इसके ऊपर आ रहा है तो क्या होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं ओपेसिटी और यहाँ कर लीजिए 0.2, ठीक है, रिफ्रेश। अब देखिए जैसे मैं माउस को इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ इसकी ओपेसिटी और ज्यादा हो रही है। इसी का उल्टा अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, मान लीजिए 0.3 था लेकिन आप माउस को ऊपर लेके आ रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी 0.8 हो जानी चाहिए। तो देखिए रिफ्रेश, अब ये 0.3 है और ये देखिए अब इस क्या है और ज्यादा ओपेक हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो ये काम हम कर सकते हैं माउस के होवर के ऊपर भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और हम ट्रांसपेरेंसी और किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम मान लीजिए हमको ट्रांसपेरेंसी यूज करनी है आरजीबीए के थ्रू, ठीक है, कलर के थ्रू यानी कि, तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो भी हमारे पास तरीका है करने का। तो जो मैंने आरजीबीए फंक्शन आपको सिखाए हैं आप उन्हीं उन्हीं फंक्शन का यूज करके उनके कलर को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने यूज किए थे ना आपके डिप, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और अपने जो मैंने डिप्स लगाए थे, डिप टैक्स लगाए थे उन पर आ रहा हूँ। ये मान लीजिए ये ओके, यही था ना, कंट्रोल एस और ये मैंने रिफ्रेश किया, ये सारा था। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी है, मान लीजिए हम ये ओपेसिटी जो हम यूज कर रहे हैं ये हमें यूज नहीं करना, सपोज ये हमें यूज नहीं करना, हमें कलर प्रॉपर्टी या आरजीबी फंक्शन या हैश वैल्यू कुछ भी यूज करके कर लीजिए, ये यूज नहीं करना सपोज, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको समझाऊंगा मैं, इसमें ये मैं सब हटा रहा हूँ अभी और इसको भी रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, ये ऑपेसिटी से जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है इस ऑपेसिटी प्रॉपर्टी को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इसको जल्दी से समझना है ना, वीडियो बड़ी होती जा रही है, कंट्रोल एस और इसको यहाँ रिफ्रेश किया, ये सारे के सारे डिप्स जो थे अब हमारे ग्रीन हो गए, एक कलर हो गया सेम। अब आइए अपने कलर कोड को निकालने के लिए, ओके, HTML कलर कोड्स, ये कलर कोड सा, ठीक। अब यहां से मान लीजिए हमें ग्रीन लेना है, ये ग्रीन है, अब यहां देखिए बहुत सारे वेरिएशन यहां पर है, सबसे पहले हम ये लाना चाहते हैं सपोज, तो ये आरजीबी की वैल्यू दे रखी है, या ये ले लीजिए हैश कोड ले लीजिए कॉपी, और यहां पर हमको लिखना है प्रॉपर्टी यूज करनी है कलर, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हैश और वो वैल्यू यहां पर पेस्ट कर दे, ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी को हम आगे भी यूज करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में। अच्छा ये चीज भी मुझे कॉपी कर लेनी चाहिए थी, हैश बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, हैश कॉपी करो, कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर, ठीक है, मुझे इसी के साथ इसे कॉपी करना चाहिए था, मिस हो गया, चलिए ठीक। अब आइए इधर, मान लीजिए नेक्स्ट हम ये रखना चाहते हैं ये, ओके, या थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये रखना चाहते हैं, कॉपी किया यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट हम ये वाला कलर रखना चाहते हैं और हमने ओपेसिटी को कम कर दिया, यानी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया, ठीक है, और इसको डार्क कर लो, इसे कॉपी करो पेस्ट और डार्क करो, मतलब ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट वही है कि आप ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करें, मान लीजिए और डार्क करना ये ले लिया,
जितना वेरिएशन आपको चाहिए, मैं यहीं तक रखता हूँ, ये सब हटाता हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस, और ये हमारा पेज है, ये देखिए अलग अलग वेरिएशन आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से भी आप ओबेसिटी को सेट कर सकते हैं। यहीं पर कलर कोड आपने यूज किया है, आप चाहे तो यहाँ पर आरजीबी फंक्शन यूज कर सकते हैं, आरजीबी, और इसके अंदर वैल्यूज दे दीजिए आप, जो जो वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको वैल्यू चाहिए आरजीबी की, तो हम जैसे इसी को ले लेते हैं, सपोज कौन सा कलर लिया, ये ले लिया 8176 34, 8176 34। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, एक तरीका तो ज्यादा, जैसे हमने हैश कोड का यूज करके अलग अलग यहाँ से वैल्यूज हैश कोड उठाए और यहाँ दे दिए, ठीक है, ये बहुत इलॉजिकल चीज है, इस तरह करा नहीं जाता है। दूसरा ये है कि हमने आरजीबी फंक्शन में भी ऐसी कर सकते हैं कि हमने ये लगा दी वैल्यू यहाँ पर, दूसरा हमने यहाँ से पिकअप कर लिया उसकी वैल्यू को ले लिया, तीसरा हमने ले लिया इसकी वैल्यू को ले लिया, ये भी बहुत इलॉजिकल चीज हुई, बिल्कुल सेम वैसे ही हो गई जैसे हैश कोड को हमने यूज किया था। सबसे बेस्ट क्या है कि हमने जैसे आरजीबी यहाँ पे यूज किया है ना, इसी के बाद यहाँ पर आपको ओपेसिटी की वैल्यू दे देनी है। तो चलिए पहले हम आपको कोड दिखा दें, कलर कोड कैसा आ रहा है, ये पहला वाला ग्रीन है। ओके, अब मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देने जा रहा हूँ 0.1, कंट्रोल एस, ये देखिए 0.1 की आपकी ये ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। ठीक है, यहां मैं करूंगा 0.2, चेंज हुआ 3, चेंज तो होना चाहिए भाई, पहली वैल्यू हमारी ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू हमारी ब्लू की हो गई, चौथी वैल्यू यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की आनी चाहिए। आरजीबी में यूज तो करते हैं आरजीबीए, अच्छा, ये तो लगाने भूल गए थे, ये है। ठीक है, जैसे हम आरजीबी फंक्शन यूज कर रहे थे, तो हम क्योंकि हमारे चार पैरामीटर हो गए ना, तो एक पैरामीटर हमको ए नाम से और लेना होता है, यहाँ पर मुझसे मिस हो गया था। तो जैसे ही हम आरजीबी फंक्शन यूज कर रहे थे, तो रेड ग्रीन ब्लू की हम प्रॉपर्टी वैल्यूज ले रहे थे यहाँ पर, जैसे रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, यहाँ से भी ले सकते हैं ये भी है। जब हम यहीं पर ऑपेसिटी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे आरजीबी है, और यहीं से हम ऑपेसिटी दे देंगे, मान लीजिए 0.1 ये दे दिया, और सपोज इसी को मैं अब कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं, ये देखिए ये है, और ये मैंने लिया कॉपी, और यहां पर मैं इसको कर रहा हूं पेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, ये 0.1 है, इसको 0.2 कर देते हैं, इसको 0.3 कर देते हैं, इसको 4 5 6 7, चलिए इतने देख लेते हैं बस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से भी हमको ये ऑपेसिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं हम इस तरह से यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों का यूज करके। ओके, चलिए आगे चलते हैं और क्या कर सकते हैं। एक हमने इसमें इमेज जो लगाई थी, जैसे मान लीजिए हमने इमेज लगाई थी, इमेज src इज इक्वल टू और mypic.jpg, ये हमने इमेज यूज की थी, और इस इमेज को मैं दोबारा लगा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको फिर हमें कंट्रोल के अंदर लगाना पड़ेगा एज ए बैकग्राउंड, अगर इमेज के ऊपर हमें कुछ दिखाना है तो। स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पर ये पाथ दे दीजिए, क्या पाथ है हमारा, mypic.jpg, कंट्रोल एस, ये देखिए डिव के अंदर इमेज आ चुकी है, इसको हटा देते हैं पहले, और डिव की हाइट वगैरह सेट करते हैं पहले कुछ, विड्थ ले लेते हैं डिव की, हम मान लीजिए 500 px, और हाइट ले लेते हैं सपोज 200 px, वही सेम,
ये देखिए, ये डिव के अंदर इमेज आ रही है, ठीक है। चाहो तो इसको बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा और नजर आ जाएगी, ठीक है। और इसकी विड्थ को भी बढ़ा लीजिए, ये देखिए। अब हम चाह रहे हैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। करना क्या है हमको, टेक्स्ट लिखनी है इसके अंदर। एक हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, या एक पैराग्राफ लिख लीजिए। सब सिंपल पैराग्राफ ले लीजिए, और सपोज पैराग्राफ हम लिख दिया, आई एम लर्निंग सीएसएस, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसको अगर आपको बीच में लेके आना है तो उसको पैडिंग वगैरह दे दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, और क्लास की सिलेक्टर, एज ए सिलेक्टर यूज करेंगे, और इसको दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग दे देते हैं इसको, कितनी दे दें, 50 px, 50 px, और बढ़ाओ इसको, 250 कर दें, ज्यादा हो गई, 150, ओके, ये है, ठीक। और इसके फॉन्ट को ही बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज मान लीजिए हम ले लेते हैं 20 px, और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट सॉरी कलर मान लीजिए येलो, बात समझ में आ रही है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, सपोज अच्छा एक काम और करें, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करो, बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए हम इसको येलो लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, या हमने येलो किसे लिया, कलर को लिया है, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक ले लें, ब्लैक नहीं ग्रीन, बैकग्राउंड अभी इसको बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर 2 px ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं या ब्लू ले लेते हैं। भाई आप मिनिमाइज हो जाओ, इसे देखो, अच्छा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक्चुअली इसकी विड्थ जो थी हमारे डिप से ज्यादा हो रही थी, तो इसकी विड्थ भी सेट कर लीजिए। पहले हमारा जो पैराग्राफ है उसकी विड्थ हम कर लेते हैं, सपोज इसकी विड्थ थी हमारी डिप की कितनी, 700, इसकी ले लीजिए 500, ताकि एक अलग बॉक्स नजर आए, 5 नहीं और कम करो से, 300 px, ठीक है, ये है। और मार्जिन भी आप इसको दे दीजिए, मार्जिन 50 px का मार्जिन दे दो, हर तरफ से कहाँ पहुंच रहा है ये, मार्जिन लेफ्ट करो फिर इसको, लेफ्ट, अगर आप मार्जिन नहीं ले रहा, मार्जिन, अरे मार्जिन नहीं मार्जिन होगा, स्पेलिंग गलत, लेफ्ट भी हटाओ, टोटल आ रहा है मार्जिन, अच्छा, ठीक, चलो ये रहना इसको। और पैडिंग जो हम इसको दे रहे हैं, पैराग्राफ को पैडिंग, टॉप से तो हमने दे दी थी पैडिंग, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ये पैडिंग हमारी होगी 50 px, ये वाली है मार्जिन टॉप, मार्जिन नहीं आ रहा है यहाँ से, ओके चलिए। खैर पहले जो चीज सीखी है वो सीख लें। अब यहाँ पर हम लगाते हैं सपोज बैकग्राउंड कलर,
और यहाँ हम ले लेते हैं अब येलो, ठीक है, और फोर कलर हम ले लेते हैं मान लीजिए ब्लैक, अभी ये येलो है ये ब्लैक है, या ब्लैक की जगह इसको रेड कर लो, अलग नजर आना चाहिए। ठीक, तो ये इमेज है बैकग्राउंड में और ये एक बॉक्स बनाया है हमने, ठीक है, और इस बॉक्स के जो बैकग्राउंड है इसकी ट्रांसपेरेंसी को एक्चुअली मुझे चेंज करना, वो चीज मैं दिखाना चाह रहा था। तो करना क्या होगा आपको, सिंपल यहाँ पर यूज करना होगा ओपेसिटी, और जो लेनी है वो ले लीजिए 0.3 सपोज। ये देखिए बैकग्राउंड कलर येलो है लेकिन उसकी ओपेसिटी जो है 0.3 हो रही है, बात समझ में आ रही। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी कंट्रोल है कोई उसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी के बारे में हो गया, और इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है, बाकी चीज़ें जब मैं पूरी लाइव एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा तब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और आएंगी, तो वहाँ इन सारी एप्लीकेशन का इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, तब वहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। क्या सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब कि हम नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं, ओके, तो यानी कि नेविगेशन बार की प्रॉपर्टीज को किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, सीएसएस का यूज करके किस तरह से उसको हम डिजाइन दे सकते हैं, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।